अस्सलाम वालेकुम, आज हम कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं एसटी कुकिंग में केक। ये बहुत ही सिंपल है, आप बीटर के बगैर बना सकते हैं। इसमें हमें ब्लेंडर की ज़रूरत होगी। इसमें एक कप चीनी जाएगी, एक कप मैदा जाएगा, 1/4 कप इसमें ऑयल होगा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर होगा, 2 एग्स और 1/4 कप या 4 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर होगा। ये भी हम इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के मिक्स करेंगे, फिर बताएंगे। और सिर्फ इन चीज़ों को, मैदे को हम बाद में ऐड करेंगे और बताएंगे इसको किस तरह मिक्स करना है। पहले इसमें जाएगा 1 कप शुगर, 4 टेबलस्पून ऑयल, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर और 2 एग्स। अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। अब ये हमारा एक का बैटर तैयार है। इसके तैयार होने की पता चलता है कि जब ये रेडी हो जाता है तो इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। इसको अपने बाउल में ऐड करेंगे। स्टार्ट में इसकी आवाज़ ब्लेंडर की थोड़ी चेंज होती है, क्योंकि शुगर के ग्रेन्स होते हैं, जैसे ही वो उसमें मिक्स होता है तो इसकी आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है। 1.5 से 2 मिनट में ये बैटर तैयार हो जाता है। अब हम इस बैटर में मैदा ऐड करेंगे। आपने इसको एकदम नहीं ऐड करना, इसे छानी में डाल के हल्के हाथ से ऐसे से करना, ताकि ये हर जगह पे एक जैसा। साथ ही इसमें जो बेकिंग पाउडर है वो ऐड करना, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी ऐसे से ऐड कर लेंगे, इस तरह। अब इसको बहुत हल्के हाथ से एक साइड पे घुमाना है ऐसे। अगर आप राइट पे घुमा रहे हैं तो राइट पे, और अगर आप लेफ्ट पे राउंड दे रहे हैं तो राउंड लेफ्ट पे। इसकी थिकनेस चेक करते रहें साथ साथ, हल्के हाथ से करेंगे तो जो इसमें से बबल्स हैं वो भी इसके ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें, जो मैदा था वो और बेकिंग पाउडर आहिस्ता आहिस्ता इसमें सारा मिक्स होता जा रहा है। थोड़ा हार्ड होता जाएगा साथ साथ, हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे। बाज़ार से ले लें या घर में आपके पास फ्रेश बलाई पड़ी हुई है तो 2 टेबलस्पून भर के इसको 1 साइड फोल्डिंग करेंगे हल्के हाथ से। साथ में ये ध्यान रखना कि आपका टेक्सचर बहुत ना ही गाढ़ा हो ना ही पतला हो, वरना फिर केक अच्छी तरह बेक नहीं होता। इससे केक पे शाइन भी आ जाएगी। ये देखें, अब इसका टेक्सचर हमारा केक का मिक्सचर रेडी है। अब हम इस पैन या हम इसको अच्छी तरह ग्रीस करेंगे। साइड्स पे भी लगा दें ताकि जब केक आसानी से निकले। अब या बटर पेपर ले लें या कोई भी आपके पास वाइट पेपर है, इसको रख के इसको भी ग्रीस करेंगे। बैटर तैयार हुआ है, हम इसको इसमें ऐड करेंगे। और हमने 10 मिनट पहले स्पून की मदद से सारा बैटर पैन में डाल लें।
अभी इसमें ऐड हो गया, इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि ये हमारा एक जैसा हो जाए। जो इसमें बबल्स आए ना, आप इसे टूथपिक की मदद से ना ख़त्म कर दें। यस, हल्की से अब टूथपिक लगाएंगे तो ये बबल्स ख़त्म हो जाएंगे। एक पैन लेंगे और उसको चूल्हे पर प्री हीट होने के लिए 10 से 15 मिनट पहले उसको प्री हीट करेंगे। मैंने पतीली लिया है, अब इसको प्री हीट कर लिए चूल्हे पर। अब इसमें हम स्टैंड रखेंगे, बैटर रखेंगे, 30 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। 30 मिनट्स के लिए हम इसको लो टू मीडियम हीट पर बेक करेंगे। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, हम उसके लिए चॉकलेट सीरप रेडी कर लेते हैं। ये बाज़ार से बहुत ही महंगा मिलता है और घर से हमें बहुत ही सस्ता बनेगा। इसके लिए हमें 5 टेबलस्पून चाहिए होगा कोको पाउडर, 5 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इन सब चीज़ों को पहले ड्राई अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, साथ ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करते जाएंगे तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि इसमें गुठलियाँ ना बने। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको 10 मिनट के लिए पकने रखते हैं। अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। जो हमने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया उससे ये थिक होगा और कोको पाउडर से इसमें चॉकलेट का फ्लेवर आएगा। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम इसको, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं। अब हम इसे पैन में इसको लो हीट पर पकाएंगे, साथ साथ हिलाते जाएंगे। चीनी इसकी मिक्स हो जाएगी और कॉर्नफ्लोर से ये थिक होता जाएगा। 30 मिनट्स हो गए, अब हम देखते हैं हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आराम से इसका बटर पेपर उतारेंगे। ये थिक होना शुरू हो गया, इसको हल्का हल्का हिलाते जाएंगे। इसमें एक चम्मच बटर ऐड कर देंगे, इससे इसमें शाइन आएगी, इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा लगेगा। ये हमने करीम से इस पर अपनी बेटी का नाम लिखा जिसकी बर्थडे थी, जिसके लिए स्पेशली आज केक बना है। हैप्पी बर्थडे हनिया।